Hazzur also explained the question of fasting or तो यह है कि यह तो इसका लाइक्राफी दिन से कोई ताल्लुक नहीं ये तो अल्लाह जो तालीम दी उसके उसके है उसके मुताबिक चलने वाली बातें वो चीज़ ये है कि दीन में कोई जबर नहीं है तुम जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकते और अगर कोई इस्लाम छोड़ना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती इस्लाम में रख नहीं सकते इसका यह मतलब है ठीक है तो ये मतलब नहीं है कि आप कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया दीन में जबर नहीं है इसलिए खुदा मिलन जी कायद साहब मुझे कहते हैं तुम तो नमाज़ें पढ़ो तो मेरा मर्जी में पढ़ूँ या ना पढ़ूँ तो दीन में जबर नहीं है ये कतान मतलब नहीं है इसका अगर आपने एक दीन इख्तियार किया है तो उसकी जो तालीम है उस पर अमल करना ज़रूरी है पाँच नमाज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी रोज़े भी रखने पड़ेंगे जो रोज़े की उम्र है सेहतमंद हैं अक़ल बालग हैं सेहतमंद हैं और अगर पैसे हैं तो हज भी करना होगा अगर हालात से इजाज़त देते हैं अगर पैसे हैं तो ज़ुक़ात फ़र्ज़ होती है ज़कू़त भी देनी होगी ठीक है ये तो तलीम है उस पर हाँ ये तुम इख्तियार है दीन में जबर नहीं का ये इख्तियार है कि तुम अगर समझते हो कि ना तुम अल्लाह को क्या हुकुमों पर अमल कर सकते हो ना बंदों के हक अदा कर सकते हो इस्लाम की तलीम पर अमल नहीं कर सकते तो इस्लाम छोड़ दो तुम्हारे फिर पाबंदी कोई नहीं उसकी सज़ा कोई नहीं ये कहते हैं ना पॉस्टिस की सज़ा है हैं जी जी तो वो सज़ा कोई नहीं इस्लाम में हैं अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दें या किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना कलमा पढ़ो ला राफी दीन का मतलब वो नहीं है कि अपने बच्चों को कुछ कह देना या उनको ये नमाज़ों के लिए कहना आम सल ने फरमाया है कि दस साल तक बच्चों को तलकिन करो नमाज़ें पढ़ने की और उसके बाद उन पर ज़रा सख्ती करो उनको बारह से दो तीन साल उनको ज़बरदस्ती सख्ती करके तो बताओ ये भी नहीं कि मारना शुरू कर दो सख्ती करो तमबीक करो और जगाओ ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ाओ ताकि उनको आदत पड़े और उसके बाद फिर जवान हो जाते हैं तो फिर छोड़ दो लेकिन कहीं यह नहीं है कि रोज़े में इतनी उम्र में रोज़ा रखना है रोजे की कोई उम्र मुहैया नहीं है हाँ जब तुम्हारी सेहत हो बालग हो जाओ अकल आ जाए और एक उम्र पहुँच जाओ जवानी की उस वक्त फिर रोज़ा रखना चाहिए बच्चों को तो कहना नहीं चाहिए और जबर उस मामले में है कि ना किसी को ज़बरदस्ती दीन में शामिल करना है ना किसी को दीन से निकलने से रोकना है ठीक है ठीक है अगर दीन में रहना है तो फिर अमल करना ही करना है वहाँ लाकराफी दीन आप पे लागू नहीं होती अहमदियों पे, ना किसी मुसलमान पे।